पूजा समझने वाले डॉक्टर एसएस बंसल किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर बंसल एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। डॉक्टर बंसल ने कई रेट्रोग्रेड एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक की है और अब डॉक्टर बंसल एसएसबी हॉस्पिटल को टेक ओवर कर रहे हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर किया है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर बंसल से, उन्हीं से उन्हीं के बारे में। हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ इस? मैं एक्चुअली हरियाणा का ही बॉर्न हूँ, मतलब भिवानी में मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद मैं पंजाब में और गुजरात में मैंने पढ़ाई की, कार्डियोलॉजी की और बाकी मतलब एज ए मेडिकल प्रोफेशन एमबीबीएस पंजाब से की, फिर एमबी और डीएम मैंने गुजरात से की, फिर मैं यूएस और जर्मनी में मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में उस समय 1994 में मैं जब आया तब कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था क्वालिफाइड, तो मैंने फिर उस समय हरियाणा में एकमात्र कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद, तो मैंने हरियाणा में मेरा क्योंकि हरियाणा में कोई क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था और हार्ट के पेशेंट्स के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी हरियाणा के लोगों को, तो मैंने इसलिए कार्डियोलॉजी करने के बाद, डीएम करने के बाद मैंने सोचा कि हरियाणा के में ही मैं, मेरा जन्म हुआ है तो मैं हरियाणा में ही कार्डियोलॉजी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज वहीं पे इसका अपने कैरियर की शुरुआत करता हूँ। और क्योंकि एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल वाज दी ओनली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तो मैंने फिर फरीदाबाद एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया 1994 में। उसके बाद मैंने 94 में के बाद मैंने 8 साल एस्कॉर्ट्स में काम किया और उस समय मैं एस्कॉर्ट्स दिल्ली में भी अपने पेशेंट्स लेके जाता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमने सारा इको कार्डियोग्राफी और आईसीयू केयर, पेसमेकर लगाना, वो सारा प्रोग्राम शुरू किया हरियाणा में। फिर 2002 में मैंने मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद की शुरुआत की सन फ्लैग हॉस्पिटल के बेसमेंट में। फिर हमने अपना मेट्रो, आज की डेट में जो फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल है उसको मैंने जॉइंट वेंचर के तौर पर डॉक्टर लाल के साथ उस हॉस्पिटल को शुरू किया। 10 साल में उस हॉस्पिटल में हमने बहुत सारी एंजियोप्लास्टीज, बाईपास सर्जरी, हार्ट के होल बिना सर्जरी के क्लोज करना, पेसमेकर्स, हार्ट के वाल्व बिना सर्जरी के बैलून से खोलना, वो सारे काम हमने किए और बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हम अट्रैक्ट कर पाए जिनकी एडवांस्ड हार्ट सर्जरी, हार्ट के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, वो सारे हमने हरियाणा में शुरू किए, फरीदाबाद में शुरू किए। उसके बाद मैंने फिर अब उस हॉस्पिटल में मैं जॉइंट वेंचर था वो, तो जॉइंट वेंचर में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मैंने अब एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की है, जो कि एक मेरा वेंचर है जिसको मैं चाहता हूँ जिसमें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिले और इन पेशेंट्स को अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिले। तो इस ड्रीम के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है और इसमें मैंने सभी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल कराई हैं इस समय, कैंसर को छोड़ के बाकी सारी हमारे पास स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गाइनी, उसके अलावा सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि किडनी डिपार्टमेंट, उसमें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें स्टोन, प्रोस्टेट, ये सब सर्जरीज होती हैं और लेज़र के साथ होती हैं। उसके बाद फिर आपकी न्यूरो मेडिसिन जिसमें पैरालिटिक स्ट्रोक के पेशेंट्स का इलाज होता है और बाकी न्यूरोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनका इलाज होता है। फिर न्यूरो सर्जरी है, हेड इंजरी का कोई पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर का है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, उसके लिए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है। फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं हम, ऑर्थोपेडिक्स में 4 डॉक्टर हैं हमारे पास, उस ये सारी फैसिलिटीज़, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है और सभी प्रकार की सर्जरीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसको हमने हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक एडवांस ट्रीटमेंट जिसमें ना केवल इंडियन बल्कि इंटरनेशनल पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है और हमारे पास इस समय हम ऑलरेडी यहाँ पर आने के बाद 1 महीने में 100 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज और बहुत सारी बाईपास सर्जरीज, हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरीज, ये सारी नेशनल पेशेंट्स की, इंडियन पेशेंट्स की भी और इंटरनेशनल पेशेंट्स की 1 महीने में हम कर चुके हैं। तो
और काफ़ी अफोर्डेबल रेट हमने रखे हैं इंडियन पेशेंट्स के लिए, ताकि लोग जो हैं अफोर्ड जो नहीं कर सकते उनको भी हम ये सुविधा दे पाए। जो एंजियोप्लास्टी है ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है ब्लॉकेजेस की। जब हार्ट की नसों में ब्लॉक 70% से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको एंजाइना होने लगता है, चलने में उनको छाती में दर्द होने लगता है या गले में घुटन या हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में उस ब्लॉक को बिना सर्जरी के बैलून से ओपन करके स्टेंट लगाया जाता है, उसको एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कहते हैं। और हार्ट अटैक में जब नस 100% बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट डैमेज होने लगता है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट की, तो उस समय हम इमरजेंसी में 24 आवर्स उस पेशेंट की हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, तुरंत नस को खोलते हैं। 1 घंटे में जैसे ही पेशेंट आया उसकी हमारी कोशिश होती है कि उसकी जल्दी से जल्दी हार्ट की नस को खोल दिया जाए, ताकि हार्ट डैमेज को मिनिमाइज करा जा सके और हार्ट अटैक को रिवर्स किया जा सके। तो उसके लिए 24 आवर्स हमने इस फैसिलिटी को क्रिएट किया है। ये फैसिलिटी 2002 से मैंने क्रिएट की है कि जिसमें 24 आवर्स एंजियोप्लास्टी की सुविधा हरियाणा के लोगों को हमने उपलब्ध कराई है। और बहुत सारी जाने, कीमती जाने, इस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं इसको, कि हार्ट अटैक में जब पेशेंट आता है तो उसकी जल्दी से जल्दी रात को, चाहे 2 बजे आए, 5 बजे आए, 4 बजे, अभी कल रात को भी 4 हार्ट अटैक के पेशेंट आए हैं और चारों की एंजियोप्लास्टी रात को की गई है। तो हमारी टीम चारों पेशेंट्स की एंजियोप्लास्टी रात भर लगी रही, लेकिन चारों पेशेंट्स की आर्टरीज खोल ली हैं, चारों पेशेंट बच गए हैं हार्ट अटैक वाले। तो ये जो कोशिश है हमारी, ये होती है कि हार्ट अटैक में पेशेंट का टाइम वेस्ट ना किया जाए और हार्ट को डैमेज ना होने दिया जाए। ज़्यादा काफ़ी दुनिया में काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जिनमें वो अगले दिन में ही जब सीनियर डॉक्टर आते हैं तभी एंजियोप्लास्टी होती है, तो तब तक तो हार्ट काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो हमारे हॉस्पिटल में हमने सीनियर डॉक्टर्स को रात में भी अवेलेबल कराया। हार्ट पेशेंट को डिपेंड करता है उसके हार्ट की कंडीशन कैसी है। अगर उसका हार्ट वैसे अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं, तो उसकी एक तो स्मोकिंग, 4 बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग से हार्ट की नसें ख़राब होती हैं, स्मोकिंग बंद करनी ज़रूरी है। फिर अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसकी दवाई, जो भी हार्ट पेशेंट है, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो चाहे ना हो, हर हार्ट पेशेंट को स्टैटिन्स करके जो ग्रुप की दवाई है वो ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि, और हर डायबिटिक पेशेंट को जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है उसको भी स्टैटिन्स ग्रुप की दवाई लेनी चाहिए, जिससे ब्लॉकेजेस बनने से रोके जा सकते हैं और जो ब्लॉक बन चुके हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो जिसकी भी पेशेंट के, एक तो लाइफस्टाइल तो अच्छा होना ही चाहिए, कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, फल और फल फ्रूट ज़्यादा लेना, प्लस जो ये आपके सैलेड ज़्यादा लेना, और चिकनाई कम से कम, मीठा कम से कम, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्मोकिंग, जो बहुत हार्म करती है, वो बंद होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जाए। तीसरा फैक्टर होता है कि डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल में रखा जाए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए, और रेगुलर अपना चेकअप हार्ट स्पेशलिस्ट से हर 6 महीने साल में ज़रूर कराना चाहिए हर हार्ट पेशेंट को। और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हैं हार्ट पेशेंट की, वो यूजली लाइफ लॉन्ग चलनी होती हैं। पेशेंट क्या करते हैं, यूजली वो सोचते हैं कि अब मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है तो मैं अब जो दवाई खाऊं, तो बंद कर देते हैं, तो फिर नए ब्लॉक बन जाते हैं। तो नए ब्लॉक ना बने उसके लिए रेगुलर दवाई लेनी चाहिए। हार्ट अटैक जो है वो मेल्स में, फीमेल्स और मेल के अंदर जो प्रोटेक्शन फीमेल को मिलती है वो फीमेल हार्मोन्स की वजह से मिलती है, जो ईस्ट्रोजन्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल्स के अंदर इसकी मात्रा हार्मोन की ज़्यादा होती है, तो वो इसलिए फीमेल्स को प्रोटेक्शन मिलती है बिफोर मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हो जाते हैं फीमेल्स में, फिर उनका उतना ही रिस्क हो जाता है जितना मेल्स को, जितना रिस्क होता है हार्ट डिजीज का, उतना ही रिस्क फीमेल में भी हो जाता है। तो ये प्रोटेक्शन सिर्फ मीनोपॉज तक फीमेल्स को बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका धड़कन बढ़ जाएगी, तो जब धड़कन बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो हार्ट पे लोड पड़ेगा। तो अगर आपके, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका हार्ट वीक है, तो अगर ये लोड पड़ने से आपका हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो सकता है, धड़कन बिगड़ सकती है,
और ब्लड प्रेशर हाई रहने से हार्ट की आर्टरीज को भी नुकसान पहुंचता है। तो ऑफ कोर्स माइंड को कूल रखना और मेंटल बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो बेसिकली जो कोरोना वायरस है वो एसी रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेस एंजाइम के एक रिसेप्टर्स हैं। जो रिसेप्टर्स हैं ACE रिसेप्टर्स वो हार्ट के अंदर भी होते हैं, लंग्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लंग डिजीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं कोविड में, लेकिन हार्ट के अंदर भी ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए कई लोगों के हार्ट के कोविड के पेशेंट्स में हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, उनको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती और वो कोविड की वजह से उनके हार्ट में सूजन आ जाती है, हार्ट की नसों में क्लॉट बन जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है, कई लोगों का एकदम से हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और कई लोगों की धड़कन बिगड़ जाती है। तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट कोविड पेशेंट्स में अगर होती है तो उन लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स जिनको कोविड के जो पेशेंट हार्ट की प्रॉब्लम के साथ आते हैं उनमें मोर्टेलिटी हाई है, ज़्यादातर लोग जो हैं बच नहीं पाते उसमें, बहुत थोड़े लोग बच पाते हैं और काफ़ी उनको सीरियस हालत में कई बार वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ता है। काफ़ी हार्ट की प्रॉब्लम अगर कोविड पेशेंट को होती है तो बहुत सीरियस हो जाता है पेशेंट, लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली हार्ट की इन्वॉल्वमेंट लेस देन 10% लोगों को। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल होते हैं कि कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में लेकिन पैसे की वजह से कहीं ना कहीं उस केस को रोक दिया जाता है और उसकी जान पर भी बनाती है, तो ये हॉस्पिटल क्या करता है इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी 24 आवर्स में अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक से आता है तो हम यूजुअली अगर पेशेंट के पास यूजुअली रात के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनके पास तो अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ रात को हॉस्पिटल में आ गए तो उनके पास पैसे यूजुअली होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अचानक पेशेंट जब खतरे में होता है सीरियस होता है तो रात को आ जाते हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि पेशेंट अगर बाद में भी पेमेंट करना चाहे तो भी हम उसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है एंजियोप्लास्टी, जो कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी है हार्ट अटैक की, तो वो 1.5-2 लाख का भी बिल उसका होता है तो भी हम उसकी ट्रीटमेंट रोकते नहीं हैं, उसकी एंजियोप्लास्टी रात को ही कर देते हैं, वो फिर डिस्चार्ज के टाइम तक आराम से पेमेंट कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच। और उसमें जो बहुत पुअर पेशेंट हैं उनकी हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारा खर्चा आया हम उतने में कम से कम पैसे लेते हुए उतने में ही उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही पुअर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।